ऑर्गेनाइज प्राइवेट लिमिटेड के सामने लगा दिया हूँ, अब चलता हूँ उल्टी कराने, यदि के साइड में लगा दिया हूँ गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है। खाना तो 9:30 बजे हो गया था और अभी वॉचमैन आया था अभी गाड़ी अंदर लेने के लिए, तो ठीक है दोस्तों चलता हूँ गाड़ी अंदर लेने। देखिए कंटेनर अंदर जा रही है, जैसे ही चढ़ा अभी देखिए हमारा टायर फूट गया। मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 7 बजा है, मैं यही ढाबा पे ही खड़ा हूँ, राज पुरोहित राजस्थानी ढाबा पे ही खड़ा हूँ। रात को इधर ही सो गया था, सुबेरे 6 बजे उठा मैं, देखिए एकदम फ्रेश हो गया हूँ। और आज नवरात्रि का दूसरा भी दिन है और ये लोग उपवास रहेंगे, तो ठीक है दोस्तों हम यहाँ पे चाय नाश्ता करके हम यहाँ निकलते हैं कंपनी में, जाएंगे तो 9 बजे तक लोडिंग हो जाएगा, तो चलते हैं चाय नाश्ता करने। चाय पिलाइए, चाय पीते हैं फिर चाय पी के निकल जाएंगे। हमारा चाय आ गया है, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। चाय पी लिया हूँ, अब चलता हूँ निकलता हूँ और धीरे धीरे पहुँचेंगे। कपड़ा भी ले लिया हूँ, सूख जाएगा गाड़ी में। तो दोस्तों मैं ट्रक में आ गया हूँ, अब चलता हूँ धीरे धीरे गाड़ी से बच लेता हूँ। अमरनगर से 10 किलोमीटर पर मैं रुका हूँ, ये गाड़ी वाला को गाड़ी एयर लिया है और देखिए तो उसको पाना लगता था 10-11 का, तो मैं रुक के उसको दिया हूँ। अब देखिए वो एयर निकाल रहा है, क्या कर रहा है, चलते हैं देखते हैं उसके पास, इनका काम हो जाएगा। 12-13-14-15 फटाक निकालो, ट्रैफिक लगता है यहाँ पे, रास्ते बेचारा खड़ा था, कोई मिस्त्री फिर नहीं है, इसके लिए मैं बोला चलो भाई अभी हमको भरने जाने का है। ये क्या जा रहा भाई, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर जा रहा। तो दोस्तों ये पन्ना से अभी काम नहीं हो रहा है, अभी मिस्त्री को दिखाना ही पड़ेगा, चलिए आपको ले जाकर वहाँ पे गाड़ी लोग करो। हाँ चलिए ठीक है, चलिए वो मिस्त्री से ही बनेगा क्योंकि ये उससे खुल नहीं रहा था, अब मिस्त्री को बुलाएगा तो काम करेगा। ठीक है चलते हैं दोस्तों, ये सब बाइक खड़ा हुआ है, एजेंसी का है, देख रहे हैं कितना बाइक लगा के रखा है, ऐसा लग रहा कि भेड़िया है खड़े, देख रहे हैं सबका गोनी बांधा हुआ है। ऑर्गेनाइज प्राइवेट लिमिटेड के सामने लगा दिया हूँ, अब चलता हूँ उल्टी कराने, यदि के साइड में लगा दिया हूँ गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है। रोड पे गाड़ी लगाना बहुत नुकसानदेह है, इसलिए मैं साइड पे ही लगाना चाहता हूँ, कभी भी जगह देखें। उधर से आए मैंने, उधर से गाड़ी घुमा के वहाँ से उधर साइड में लगाया, ताकि कोई नींद में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये मटेरियल गेट है, इसी में गाड़ी एंट्री होता है, अब चलते हैं एंट्री कराते हैं अब। तो ठीक है एंट्री तो करा दिया हूँ मैं, 10 बजे साहब लोग आएंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का 8 बजा है अभी, और कंपनी में साहब लोग 10 बजे आएंगे, तो मैं वही अभी टाइम है 2 घंटा, तो सब्जी चावल बना लेता हूँ, 9:30 बजे तक आ जाएंगे, अपने पास 1.5 घंटा टाइम है। ये देखिए मैं जो बचा खुचा ट्रक में था फ्रेश भी चावल बटाटा, इसी का सब्जी बना रहे हैं, और ये देखिए हमारे चावल रख दिया हूँ, चावल हो भी गया है, ये देखिए अब उतार रहे हैं इसको और इसी पतीले में सब्जी बनाएंगे, थोड़ा सा ही सब्जी है, देख टाइम का हो जाएगा। अभी रात को तो होटल में ही खाया, कल दिन में ही होटल में ही खाया, तो
हम ज़्यादा खाते हैं तो पचता नहीं है दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ा बना के खाते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चावल अब उतार रहा हूँ। देखिए चावल उतार दिया हूँ और एक टोप रख रहा हूँ सब्जी के लिए। ये हमारा टोप गर्म हो गया है। अब ये देखिए इसमें तेल भी डाल दिया हूँ। अब चलता हूँ लहसुन मिर्ची प्याज का पेस्ट डालने। ये देखिए इसको भूजेंगे मस्त, आहिस्ता आहिस्ता भूजेंगे और स्वादिष्ट खाना बनाएंगे कि खाने से मन भर जाएगा। प्याज हमारा भुजा गया है, चलते हैं इसमें हम सब्जी डाल लें। है हमारा सब्जी, प्याज लहसुन मिर्ची में मस्त इसको भूजेंगे। अभी ये हमारा भुजा गया है, अब चलते हैं इसमें टमाटर का टुकड़ा डाल लें। ये देखिए टमाटर का टुकड़ा काट लिया हूँ, इसमें से बीज निकाल दिया हूँ ताकि ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए, थोड़ा सा सब्जी है। अब इसको हम डाल दिए इसमें, अब और भूजेंगे, अब मसाला डाल के भी भूजेंगे। इसे मैं मसाला डालता हूँ। ये देखिए थोड़ा मसाला निकाल लिया हूँ, हल्दी, धनिया और ये थोड़ा एवरेज मसाला और ये लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर दोनों मिक्स है। इसको मसाला बना के डाल देता हूँ। इसमें मैं डाल दिया, आप लोग आ जाएंगे तो भरना रहेगा। चल नमक डाल देते हैं, पकता रहेगा, फिर भत्ता भी खोलना है मुझे। ये नमक स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए। तो अभी 9:30 बज रहा है, हमारा खाना बन चुका है। और देखिए यहाँ पे गाड़ी और दो गाड़ी आ गई है, कंटेनर हमारे उस्ताद लोग भी आए हैं। ये देखिए तो इन लोगों का भी गाड़ी लोड होएगा और खाना तो बनाया है दोस्तों। अभी अंदर मोबाइल जमा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाएगा। तो चलते हैं खाना खाने, थोड़ा उस्ताद लोग को भी थोड़ा टेस्ट कराते हैं क्योंकि भाई मिलजुल के हम लोग भाई ही हैं। क्या उस्ताद, चलिए थोड़ा टेस्ट करते हैं। खाना खाइए आप लोग भी। क्या है कि अंदर कुछ मिलेगा नहीं, या बाहर यहाँ से जाएंगे, एक तो कैंटीन फेंटीन कहीं लंबा है, अंदर तो कैंटीन भी नहीं है और चाय नाश्ता की दुकान भी नहीं है। तो अंदर जाने से पहले खाना खा के चाय पी जाएंगे क्योंकि गाड़ी भरने के बाद पूरा पैक करना पड़ेगा और पैक करके ही गाड़ी छोड़ते हैं, तो सिलेंडर मोबाइल सब यहाँ पे जमा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं। तो हमारे उस्ताद लोग आ गए हैं, खाना देखिए निकाल रहे हैं। ये देखिए खाना मस्त बनाए हैं, मुंबई का, मुंबई के। अभी आपका भी जम्बो बैग रहेगा ना? हाँ हाँ। अच्छा आपका भी, दोनों जन का? दोनों का। देखिए दोस्तों कितना मस्त बना है खाना, सब्जी चावल धूप भी आ गया है यहाँ पे। अब ये ट्रक में नहीं, थोड़ा सा सब्जी था, बटाटा वही सब मिला के बना दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों हम उस्ताद को खाना निकाल दिए हैं, कितना अच्छा है, धूप आ गया इसके लिए। चलिए उस्ताद खाना खाइए। कैसा बनाया उस्ताद? खाना खाता हूँ दोस्तों, बहुत टेस्ट बना है, कोई जवाब नहीं है। आप उस्ताद से ही पूछ लीजिए कि हाँ उस्ताद कैसा बना है। क्या उस्ताद अच्छा बना, पसंद आया कि नहीं चावल भी? और खाना बहुत अच्छा बना है, टेस्टी है। दोस्तों हमारा खाना तो 9:30 बजे हो गया था और अभी वॉचमैन आया था अभी गाड़ी अंदर लेने के लिए। तो ठीक है दोस्तों चलता हूँ गाड़ी अंदर लेने। देखिए कंटेनर अंदर जा रही है, कांटा पे लाइन लग गया है। पाँच बज गया है, अभी हमारा गाड़ी भर गई है, अब आउट हो रहा है। देखिए कांटे पे ले रहा हूँ गाड़ी, अभी गाड़ी हम आउट कर रहा हूँ, कांटा हो गया है 25 टन 280। दोस्तों ये जंबो बैग है और कंपनी में भरा मोबाइल जमा हो गया था और मैं कब वो बांध के निकला, पूरा पैक किया, बारिश में भीजना नहीं चाहिए था, 4 तरपती डाला हूँ, अकेले पैक किया, अभी आउट हुआ है। देखिए हमें अब दे चलता हूँ आगे, अभी डीजल डालना है इसमें, है थोड़ा डीजल लेकिन आगे भी डीजल डालेंगे। एक टायर तो कमजोर है दोस्तों, लेकिन क्या करें, अभी 25 टन वजन है लेकिन धीरे धीरे जाना पड़ेगा।
चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे। दोस्तों शाम के 7 बज गया है और मैं अभी रावड़ी क्रॉस करके जा रहा हूँ। अभी थोड़ा उजाला है इसलिए मैं अभी चल रहा हूँ। ये देखिए शाम का दिया बत्ती का टाइम है, आगे डीजल डालना है। देखता हूँ कौन सा पेट्रोल पंप पर डीजल अच्छा मिलेगा। भारतीय पेट्रोल पंप पर डीजल डालना है। ये रावड़ी क्रॉस कर रहा हूँ, रावड़ी क्रॉस करके भारतीय पेट्रोल पंप है, देखता हूँ। अभी हम साई पेट्रोलियम पे आए हूँ, ये देखिए डीजल डाल रहा हूँ। 10,000 का डालेंगे, 10,000 के इसमें बैलेंस है। तो दोस्तों अभी ये रावड़ी में पेट्रोल पंप आता है और देखिए हम अभी वहाँ से चले तो 30 किलोमीटर पे रुके हैं, 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर चले आराम आराम, वही टायर पे आ रहे हैं। देखते हैं पहुंच जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमें रास्ते में एक जोड़ी टायर डालना पड़ेगा। हाँ, अब 10,000 का इसमें बैलेंस है, एम्प्टी आया था ना इसलिए डीजल बचा था इसके अंदर। और अभी डीजल है मतलब अभी 10 उंगली है डीजल और अभी 100 लीटर का 6 उंगली हो जाए, 16 उंगली डीजल हो जाएगा। 16 उंगली डीजल में करीब 160-170 किलोमीटर गाड़ी जाएगी। तो मैं तलेगांव में आया हूँ, ये देखिए, और टपरी पर आया हूँ चाय पीने के लिए। ये देखिए मैं चाय लिया हूँ, चाय पी रहा हूँ मैं। अब पी के कांच और साफ करके यहाँ से निकलेंगे। नासिक क्रॉस करना है, नासिक क्रॉस कर लेंगे तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगा, फिर दिन में फिर ठंडे ठंडे में निकल जाएंगे। दिन में बहुत धूप होता है, लाइनर भी पकड़ता है घाट में। अच्छा समृद्धि से जाते हैं तो समृद्धि से जाएंगे तो टायर अच्छा मंगता है। अभी हमारा एक टायर कमज़ोर है इसलिए हमें नीचे नीचे से जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों चाय पी के निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी चाय नाश्ता कर लिया मैं, अभी काज भी पहुँच लिया ये देखिए, और माता जी का अगरबत्ती भी लगा दिया मैंने। और ये पेपर मिला नहीं कहीं से तो ये 10 रुपये का लेना पड़ा 100 किलो। तो ठीक है दोस्तों अब यहाँ से हम निकल रहे हैं धीरे धीरे, ठंडा ठंडा में निकल जाएंगे। जवाहर होके जाएंगे उसी रोड से, पुराना वाला रोड से, तो कल खाली भी हो जाएगा। चलते हैं धीरे धीरे। तो मैं चाय नाश्ता करके निकल गया हूँ, अब चलता हूँ। तो रात को 9 बजा है और तो हम आए प्लस खेड़ होके, तो एकदम गांव के खेड़े गांव से रास्ते से लेके आए, एक जीप वाला लेके आया। और जैसे जैसे लेके आया, अब आया तो मैंने ये हाईवे पे चढ़ा, जैसे ही चढ़ा अब ये देखिए हमारा टायर फूट गया। पूरा जोर से आवाज़ किया, इसमें जेटर था, वही टायर दोस्तों 2000 के जो लिया था जेटर वोटर्स में डाला था, वही बहुत जोर से आवाज हुआ। हमको मालूम था कि वो फूटने वाला है, इसीलिए मैं एक जोड़ी टायर लेने के लिए बोला था राहुल से, राहुल सेठ से। तो बोले थे कि दिला देंगे महाराज, दिला देंगे। उनका भी दो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, परेशानी में थे इसलिए हमको टायर दिलाए नहीं। अभी हमारा उनके पास पैसा भी था तो मैं उनका फ़ोन किया था कि भाई हमको पैसा डाल दीजिए, मैं इधर ही एक जोड़ी टायर डाल लूँगा, लेकिन वो दिए नहीं। बोले कि अभी परेशानी है महाराज, अभी आपका पैसा आया ही नहीं है गट्टू का। अब देखिए हमारा परेशानी हो गया। अब हमारा ये भी है कि स्टेपनी में नहीं है, टकला है। अब ये लिफ्टर का टायर खोलेंगे,
यही टायर खोल के डालेंगे, क्या करेंगे। रेडियल है ये भी, एयर ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। एक तो टायर वाला था दुकान, तो वो भी बंद ही है। ये देखिए यहाँ पर टायर वाला एक दुकान है लेकिन बंद है। अब इसको हाथ से खोलेंगे या उसको भी हाथ से खोलेंगे, चलते देखते हैं उधर साइड में। तो यहाँ पे भी जक लगा देते हैं, क्या करेंगे। जक तो लगाना ही पड़ेगा, लगा के चलते हैं। चलते हैं जक लगाने। ये जब टायर में जेटर था, अब फूटा ना, तो ये जो मोटर गार्ड है इसको एकदम ऊपर फेंक दिया। देखिए यहाँ पे मारा ना, ये पूरा सीधा हो गया। देखिए कितना इसमें प्रेशर रहता है, इसलिए बहुत डेंजर हवा रहता है इसमें। अब फूटता है ना, तो देखिए कैसा इसका मोटर गार्ड को ऊपर एकदम चिपका दिया, हालांकि ना लटका हुआ था नीचे की तरफ। चलता हूँ दोस्तों, अभी इसको मैंने जेक लगाऊँ, अभी अकेले खोलना पड़ेगा। अभी मैं नांदूर सिंगोटा आया यहाँ से 1-2 किलोमीटर चल के, तो गाड़ी में धीरे धीरे एक ही टायर पर लेके आया मैंने। और यहाँ पे देखिए टायर वाले के दुकान वाले हैं मैशाली का। तो अभी मैं चलता हूँ जेक लगाने। जेक लगाएंगे और ये टायर खोल के लिफ्टर में डाल देंगे, ये देखिए। और ये लिफ्टर वाला टायर उसमें डाल देंगे। ये भी ख़त्म ही है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब इसको लगा के जाएंगे धीरे धीरे भाई, क्या करेंगे, बहुत टेंशन आ गया मुझे। तो चलते हैं जक लगाने। तो लिफ्टर का टायर और ताला में डाल दिया, और ताला वाला लिफ्टर में डाल दिया, और मेरा जक भी फेल हो गया। ये देखिए जक अभी नीचे जा नहीं रहा, ना उठ रहा है। वो टायर वाला के पास जक था, इसलिए मेरा टायर अल्टी पल्टी हो गया, नहीं तो मैं परेशान हो जाता। अब ये है कि वो टायर का भी भरोसा नहीं है कि क्या होएगा क्या नहीं, लेकिन जग भी जवाब दे दिया है। ऊपर वाले के दुआ से अगर गाड़ी पहुंच जाती वहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर तकलीफ तो बढ़ जाएगा दोस्तों। आइए दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये टायर अंदर था, इसको बाहर कर दिया और वही लिफ्टर का टायर इसमें डाल दिया। ये इसका भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन साथ देगा। दोस्तों टायर लगा के मैं वहां से निकल चुका हूँ, अब चलता हूँ आगे धीरे धीरे। खाना तो अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी नींद लगने लगेगा, और धीरे धीरे हमको ट्रक चलाना है। आगे देखेंगे कोई अच्छा ढाबा पर रुके खाना खाएंगे। चलते हैं, अभी टायर फूट गया तो मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। अब ये है कि मुझे पहुंचना है, एक टायर लगाया हूँ बड़ा छोटा हो गया है। दोस्तों अभी मैं नासिक, सिन्नर, तमकेश्वर, नीलमाटी सब क्रॉस करके मैं आया हूँ मोखड़ा में। 2:30-3 के आसपास के टाइम हो रहा अभी, तो अभी मैं पार करके आ गया यहाँ पे। धीरे धीरे की टायर पे लेके आया मैं उसी टायर, वही टायर जो लगाया था लिफ्टर का। अब वही धीरे धीरे आया, घाट उतरा। अब हमको सुस्ती आ रहा है, अब चलते हैं सोने। 1-2 घंटा सोएंगे, फिर यहाँ से 7 बजे निकलेंगे। मैं तो अभी खाना भी नहीं खाया, गाड़ी में खजूर था पहले। एक बार देखिए पिछले ब्लॉक में दिखाया था कि खजूर है, और आदित्य मम्मी जो मिठाई दी थी इतना, वो और खजूर खा के मैंने पानी पी लिया। तो ठीक है दोस्तों, हम ब्लॉक एंड करते हैं, सुबह नए ब्लॉक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।